NTAUGCNET यानी निमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लेने वाले हैं और ये क्लास नंबर 1 है। इस क्लास में दोस्तों हम शिक्षण क्या है, शिक्षण की विशेषताएं, इसके सिद्धांत, सूत्र और उद्देश्य हम करेंगे। और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम पहले इससे रिलेटेड थ्योरी करेंगे और उसके बाद में 2012 से लेके आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों NTAUGCNET एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर 1 पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर 2 पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर 3 पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर 4 पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 5 पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 6 पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेंगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर 7 पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है। तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है दोस्तों इसके अंदर, जैसे हम बात करें शिक्षण, शिक्षण क्या है? शिक्षण को डिटेल में समझने से पहले हमें बेसिक समझना है कि शिक्षण का मतलब क्या है। देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारा टीचिंग होता है, एक होता है लर्निंग होता है। टीचिंग और लर्निंग के बारे में हम डिटेल में तो बाद में जानेंगे, लेकिन मेन फर्क जो है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए टीचिंग जब हमें टीचर हमें पढ़ाए, जैसे हम ट्यूशन पे जाते हैं तो ट्यूशन पे हमारा टीचर होता है वो हमें पैसे लेके पढ़ाता है। स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हमारी फीस लगती है। वहाँ पे क्या होता है, एक टाइम टेबल होता है ना, सुबह जाना है 9 बजे जाना है और इवनिंग को 2 बजे हमारी छुट्टी होगी और पहली घंटी हिंदी की लगेगी, ऐसे लगेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, टीचिंग के अंदर क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे से हमें कुछ सिखाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। और बात जब लर्निंग की आती है तो लर्निंग वो होता है जिसमें हम सीखते हैं। लर्निंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास टीचर हो। मान के चलिए हम किसी खेत में गए हुए हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने आप काम कर रहे हैं, काम करते करते अब हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए और वहाँ से हमने कुछ सीखा तो वो क्या होगा, हमारा लर्निंग होगा। तो लर्निंग के अंदर क्या है कि हम कहीं भी सीख सकते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं, वहाँ पे कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है। एक 5 महीने का बच्चा भी सीखता है, 5 महीने का बच्चे के पास कोई टीचर नहीं होता ना, उसे कोई सिखाने वाला नहीं होता, लेकिन वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को और धीरे धीरे वो सीखने लगता है। तो आपको ये, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। टीचिंग क्या है, जहाँ पे एक विशेष तरीके से सिस्टमेटिक वे में हमें कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास किया जाए तो वो क्या होगी, हमारी टीचिंग यानी कि शिक्षण होगा। और लर्निंग, लर्निंग हम अपने हिसाब से कैसे भी सीख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बेसिक समझ में आ गई। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं शिक्षण क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि समाज परिवर्तनशील होता है, अतः शिक्षण पर समाज की परिवर्तनशीलता का पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसे इसमें कहा है शिक्षण क्या, एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि हम समाज में रह के चीज़ों को सीखते हैं। हमारा जैसे स्कूल है वो भी हमारा समाज के अंदर आता है और इसके अंदर हम मिलजुल के एक दूसरे के सहयोग से चीज़ों को करते हैं और उसी से सीखते हैं। और ये क्या है कि ये परिवर्तनशील है। जैसे कि मान के चलिए पहले के ज़माने में टीचिंग अलग तरीके से होती थी, अब क्या डिजिटल आ गया है, डिजिटल वे में हम सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग से सीख रहे हैं, काफ़ी PDF है हमारे पास उनसे हम सीख रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें अब हमारे पास आ गई है। और इसके देखिए
शिक्षण को त्रिध्रुवीय संरचना के रूप में स्वीकार किया गया है। मुख्य रूप से जो टीचिंग है हमारे, वो तीन तरह की, मतलब तीन एलिमेंट उसके अंदर होते हैं। देखिए, टीचिंग के दौरान एक तो हमारा शिक्षक होगा जो हमें कुछ सिखा रहा है, नंबर दो पे शिक्षार्थी होगा जो सीख रहा है, और नंबर तीन पे क्या होगा, पाठ्यक्रम यानी कि स्टडी मटेरियल, जिसके जरिए, जिसके सहयोग से हम और ज़्यादा अच्छे से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें देखिए, शिक्षक का जो स्थान है वो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊंचा जो स्थान है वो शिक्षक का रखा गया है। और शिक्षक बिना किताब के भी पढ़ा सकता है, शिक्षक अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो उसको भी सुधार सकता है, तो शिक्षक का जो स्थान है वो सर्वोपरि इसमें रखा गया है। और दोस्तों, इसमें क्या है कि हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, वही चीज़ों पे हम फोकस करेंगे ज़्यादा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। और अभी हम देखते हैं इसके अंदर, शिक्षण की प्रक्रिया मानव व्यवहार को परिवर्तन करने की तकनीक है। अब देखिए, एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको उसमें पता चलेगा कि शिक्षण है जो, टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है। और टीचिंग का मेन उद्देश्य ये है कि मानव के व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन करना, एक पॉजिटिव चेंज लेके आना। अभी जैसे हर टीचर का क्या उद्देश्य होता है कि उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे अच्छे बने, उनका समाज में एक अच्छा व्यवहार हो, ये उद्देश्य होता है हर टीचर का। और वो किसी के साथ मतलब कि गलत आचरण में ना पड़े और अच्छी शिक्षा लेके हमसे जाए, तो ये मेन उद्देश्य होता है। और अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शिक्षण शिक्षण का तात्पर्य निश्चित समय, निश्चित विधियों, निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षण दिया जाता है। अब मैंने पहले भी बात की थी, शिक्षण का मतलब क्या है, इसके अंदर एक निश्चित समय होता है, निश्चित विधियाँ होती है, निश्चित स्थान होता है, और पूर्व नियोजित ढंग से हम शिक्षण करते हैं, इसमें सीखते हैं चीज़ों को। अब देखिए, इसको हम समझते हैं, जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया, निश्चित समय, स्कूल का एक निश्चित समय होता ना कि स्कूल 8 बजे लगेगा या 9 बजे लगेगा, और 10 बजे ये घंटी लगेगी, 11 बजे ये लगेगी, और उसके बाद में निश्चित विधियाँ होती हैं किस वे में हमें पढ़ाना है, वो हर टीचर का अपना अपना अलग तरीका होता है। निश्चित स्थान है, स्कूल एक निश्चित स्थान पे होता ना, ये तो नहीं है कि स्कूल आज कहीं पे है और कल कहीं पे और हो जाएगा, ऐसा उसके अंदर नहीं होता है, तो उसका क्या होता है, एक निश्चित स्थान होता है, और ये चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर, शिक्षण छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षण के अंदर हम ज्ञान देते हैं, कौशल मीन्स कुछ ना कुछ स्किल्स सिखाने का प्रयास इसमें हम करते हैं, तो ये चीज़ इसमें होती है। और इसके साथ यह एक जटिल और बहुआयामी गतिविधि है। ये क्या है कि एक जटिल गतिविधि भी हो सकती है, क्योंकि जब टीचर हमें सिखाता है तो कई एक्टिविटी वो करता है ना, तो काफ़ी तरह की चीज़ें इसमें हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसमें और चीज़ें क्या है जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया शामिल है। अंतःक्रिया का मतलब क्या है, इंट्रैक्शन होता है छात्र और शिक्षक के बीच में, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। यह एक जानबूझकर और नियोजित गतिविधि है ना, हम जानबूझ के ही करते हैं ये, और एक सिस्टमेटिक वे में ये करते हैं। और अब देखिए, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग का उद्देश्य क्या है, ये हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, हम इसको देखते हैं क्या क्या है। महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने के लिए, ये हमने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, हम क्रिटिकल वे से सोच के, अगर हमें कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए तो हम उस पर आर्ग्यूमेंट कर सके, भाई ये चीज़ ऐसे हुई है तो क्यों हुई है, ऐसे क्यों नहीं हुई, तो उस वो क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना। समस्या सुलझाने की क्षमता को विकसित करना। अब जैसे समस्या, कैसे, मैथ की समस्या है ना, हम बच्चों को सिखाते हैं, उनके मतलब कॉमन प्रॉब्लम देते हैं कि आपके खेत में 10 बोरी गेहूं हुई और उसमें से 4 बोरी आपने दे दी, तो कितनी बोरियां रह गई। तो इस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको हम प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए एबल करते हैं।
रचनात्मक को बढ़ावा देना, प्रमोट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हम एक्टिविटी करवाते हैं ना बच्चों से, ड्राइंग वगैरह करवाते हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उनको हम निखारने का काम करते हैं इसके अंदर। स्वतंत्र शिक्षा को बढ़ावा देना, और उसके बाद में आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए एनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब हमारा प्रयास होता है कि हम बच्चे को ऐसा बनाएं कि वो हमेशा सीखता रहे, कुछ न कुछ सीखता रहे, और मूल्य और नैतिकता को स्थापित करना। हम टीचिंग के अलावा, टीचिंग में हम केवल यही नहीं करते कि हमें ये एक लेसन पढ़ाना है और लास्ट में इसका ईयरली एग्ज़ाम लेना, और एग्ज़ाम में इसके 80% नंबर आ जाए, 90% नंबर आ जाए। केवल टीचर का उद्देश्य ये नहीं होता, इसके अलावा उद्देश्य उसका ये भी होता है कि बच्चा एक नैतिकता भी सीखे, माँ बाप के साथ कैसे बोलना है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कैसे करना है, और समाज में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये चीज़ें भी टीचिंग के अंदर सिखाई जाती है, ये एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग का उद्देश्य है। और ये पता है इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये आएंगे निम्नलिखित में से टीचिंग के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो वो चार पांच ऑप्शन दे देंगे, और नीचे फिर क्या होगा, ऑप्शन ए ए बी सी, ऑप्शन बी बी सी डी, और ऑप्शन सी जो होगा वो ए सी बी, ए बी कुछ भी ऐसे कम्बिनेशन वो दे सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। उसके बाद में हम शिक्षण के लक्षण की अगर हम बात करें, करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, अभी देखिए क्या क्या लक्षण है। गतिशील, डायनमिक, शिक्षण के एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें निरंतर परिवर्तन और अनुकूलता शामिल है। अब जैसे हमने पहले भी बात की थी, जो शिक्षण है वो गतिशील है, वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पढ़ लिया उसके बाद में हमारी टीचिंग खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। हमारा टीचिंग है वो पूरी जिंदगी चलती रहती है हमारी, ठीक है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। इंटरेक्टिविटी, इंटरेक्टिविटी की भी बात की, हम छात्र और शिक्षक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो वाद विवाद करेंगे और डायलॉग करेंगे एक दूसरे के साथ। उद्देश्यपूर्ण, जो भी टीचिंग हम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है, बिना उद्देश्य के कोई टीचिंग नहीं की जाती। और कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस भी वही बात हम ऊपर, ये क्या है कि शिक्षण एक सतत प्रक्रिया जो छात्र के जीवन भर चलती रहती है, ये चीज़ हमने ऊपर की थी, जैसे गतिशीलता की बात की थी ये इसके अंदर। और शिक्षण की विशेषताएं, ये वही चीज़ है, ये देखो विशेषताएं, और ये जो इसकी विशेषताएं हमने पढ़ी और यहाँ पे लक्षण पढ़े, ये लगभग दोनों की दोनों चीज़ें सेम है। ये देखिए, शिक्षण शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करते हैं बच्चे के अंदर। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। इस शिक्षण में हम चाहते हैं कि बच्चे का विकास हो, उसका डेवलपमेंट हो। और इसमें एक शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, तर्क वितर्क करना सीख जाता है बच्चा। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये अगर हम अभी देखें तो अभी के समय में ये थोड़ी सी सही नहीं है चीज़ें, क्योंकि आज के समय में हम क्या है, यूट्यूब के जरिए वीडियोस देख रहे हैं। अब देखिए, यूट्यूब पे जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस समय बच्चा देखे, हो सकता है बच्चा बाद में रिकॉर्डेड वीडियो उसको देख रहा हो। तो आज के समय में ये चीज़ थोड़ी सही नहीं है, आज की ये विशेषता नहीं है, ये विशेषता ट्रेडिशनल जो वे था उस पे ये लागू होती है। तो ये चीज़ें इसके अंदर है दोस्तों, तो आप इसको देख लेना। और आगे हम देखें शिक्षण की बुनियादी आवश्यकताएं। अब ये देखिए, शिक्षण करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, ये भी हमें पता होना चाहिए, यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। शिक्षण के लिए क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे लिए। एक वो बोलेंगे कि एक प्रभावी शिक्षण के एक प्रभावी शिक्षक के पास किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, वो ये क्वेश्चन देंगे, और अभी मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ। अब ये देखिए, सबसे पहले क्या है, शिक्षक के पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर टीचर के पास कुछ नॉलेज ही नहीं है तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा, तो इसलिए शिक्षक के पास नॉलेज होना ज़रूरी है। और उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर आ गया क्लास में, उसे बोला ही ना जा रहा, वो खुद हेजिटेट हो रहा हो बोलते हुए बच्चों के सामने, और वो सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उसको कम्युनिकेशन किया करना आना चाहिए बच्चों के साथ, किस तरह से करना है। फिर है प्लानिंग स्किल्स, जो भी हमारे पास है, नियोजित
स्किल होनी चाहिए, यानी कि हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। अब कई टीचर है केवल ओनली पढ़ाते 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 हैं, वो बच्चों से क्वेश्चन आंसर नहीं करते। हमें एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाना चाहिए। पहले हमने लेसन पढ़ाया, उसके बाद में बच्चों को कहा भाई आपको ये लेसन घर से करके लेके आना है, कॉपी में करके लेके आना है क्वेश्चन आंसर। उसके बाद में अगले दिन उससे क्वेश्चन आंसर हम बच्चों से सुने। तो एक सिस्टम होता है हर इंसान का। फिर है पेशेंस, पेशेंस रखना जरूरी है, धैर्य। अब देखिए पहले के समय में क्या होता था कि बच्चे अगर याद करके ना लेके आए तो क्या होता था, कुटाई होती थी ना। तो किस किस की कुटाई हुई हुई है बताना भाई, ठीक है। किस किस के मुर्गा कौन कौन बना हुआ है, मैं तो बना हुआ हूँ, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले पेशेंस नहीं था, जो टीचर थे उनमें पेशेंस नहीं था। आज आप मार के दिखा दो आपकी खैर नहीं है, बच्चे FIR कर देंगे। माता पिता के पास तो जाने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे ही FIR कर देंगे। तो ये तो हमें पेशेंस रखना जरूरी है। अगर बच्चा नहीं सीख रहा है, बच्चा बार बार गलती कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और फिर उसको हम डांट सकते हैं, भाई तूने याद क्यों नहीं किया। कई बच्चे शरारती होते हैं ना, तो उनकी हड्डियां मसाला मांगते, उनकी उनको खुराक देनी भी जरूरी है जी। और फिर है उत्साह। अब देखो बच्चों के अंदर क्या है कि हमें उत्साह भरना जरूरी है। हम उसको कहेंगे कि बच्चों कल हम ये चीज़ करने वाले हैं, ठीक है, कल हम एक मज़ेदार प्रतियोगिता करेंगे और उसमें ये करेंगे, जो फर्स्ट आएगा उसको हम ये इनाम देंगे। तो उनके अंदर एक उत्साह भरना जरूरी है। तो ये क्या है, ये एक टीचर की विशेषताएं हैं, टीचर के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए शिक्षण के दौरान, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद में अगर हम बात करें इसमें शिक्षण के सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल क्या क्या है वो हम देखते हैं। ये देखो इसके अंदर जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, यानी कि जो भी हम सिखा रहे हैं बच्चों को वो उसकी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी रैंडमली कुछ भी सिखा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी लाइफ से रिलेटेड वो चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद में हम बात करें तो इसमें एक मिनट रुकिए जी। अभी देखिए उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, यानी कि जो भी हम सिखा रहे बच्चों को उससे हमारा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो ही नहीं रहे हैं, हमारा कोई बिना ही उद्देश्य के हम पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ एग्ज़ाम होने के बाद कोई पढ़ता है क्या? एग्ज़ाम होने के बाद नहीं पढ़ता ना। और पढ़ता कब है? जब उसे एग्ज़ाम देना हो। तो हमारा उद्देश्य क्या है? एग्ज़ाम में टॉप करना या एग्ज़ाम को क्लियर करना जी। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशील होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने आज पढ़ा दिया 3 दिन छुट्टी कर दी, फिर 2 दिन पढ़ा दिया फिर 2 दिन छुट्टी कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रियाशील हमें होना जरूरी है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अब ये देखिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब अगर कोई बच्चा सही से नहीं पढ़ रहा है, मान के चलिए किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम, वो जल्दी गेन नहीं कर पाता चीज़ों को, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाना चाहिए। मीन्स उसको अलग से हम पढ़ा सकते हैं, अलग से उसको हम समझा सकते हैं। रुचि का सिद्धांत, रुचि होना जरूरी है। अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चों का हम इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चों को जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, हमें क्या है, प्रेरित करते रहना चाहिए बच्चों को। तो ये काफ़ी तरह के सिद्धांत है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मनोरंजन का सिद्धांत, हमें टीचिंग के दौरान मनोरंजन में करना है बच्चों का। जब तक मनोरंजन नहीं करेंगे तो हमारी क्लास क्या है, बोरिंग हो जाएगी और बच्चे उसको छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। तो मनोरंजन भी होना जरूरी है साथ के साथ, ठीक है। पहले क्या होता था मनोरंजन के लिए बताओ, बाल सभा होती थी क्या? ओ मेरे भाइयों बहनों, बाल सभा देखिए किस किस को याद है बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस ने बाल सभा में हिस्सा लिया हुआ है। पहले होती थी सरकारी स्कूलों में, है ना, और किस किस ने चुटकुला सुनाया हुआ है उस बाल सभा में बताना भाई, ठीक है। मेरे को तो बहुत, मैं तो बहुत मिस करता हूँ उस चीज़ को। तो ये चीज़ है दोस्तों। उसके बाद में शिक्षण सूत्र, मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग्स। तो शिक्षण के सिद्धांत सामान्य सिद्धांतों या दिशा निर्देशों को संदर्भित करते हैं। ये वही चीज़ है कि शिक्षण सूत्र के अंदर जो हमारे सिद्धांत वगैरह है वो दिशा निर्देश देते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ाना चाहिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि मनोरंजन होना चाहिए, वो हमें दिशा निर्देश दे रहा है कि जब हम टीचिंग करें तो उसमें एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं। तो उसके बाद में हम बात करें इसके अंदर शिक्षण सूत्र,
हाँ जी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा, एक मिनट ये करते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। चलिए, यही है हमारा और उसके बाद में हम बस अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं जी। तो अब देखिए, 670 क्या है, फॉर्मूला क्या है, टीचिंग के फॉर्मूलाज क्या है हमारे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नॉन टू अननोन। अब हमें छोटे बच्चों को कोई चीज़ सिखानी है तो हम उसको कैसे सिखाएंगे, स्टार्टिंग में ही अगर हम उसको जैसे मान के चलिए इंग्लिश में सिखा रहे हैं, इस इंग्लिश में कैसे अल्फाबेट कैसे सिखाते, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, मीन्स उसको क्या बता रहे हैं वो, ए फॉर एप्पल वो किसे जानता है, वो सेब को जानता है, बी फॉर बॉल को वो जानता है, सी फॉर कैट कैट को वो जानता है, यानी कि हमें जो चीज़ बच्चा जानता है उसको रिलेट करना है अननोन चीज़ के साथ में, ठीक है। बी का मतलब क्या है, वो बॉल होती है ना, बॉल वैसी, ठीक है, ऐसे हम उसको सिखाते हैं। और ऐसे ही जब हम उनको काउंटिंग सिखाते हैं, प्लस माइनस करना सिखाते हैं, तो कैसे सिखाते हैं, तेरे पास 3 बकरी है, ठीक है, राजेश के पास भी 2 बकरी राजेश के पास है, 3 बकरी तेरे पास है, बताओ कितनी बकरी हो गई, है ना। अब देखो बकरी तो वो जानते हैं ना, बकरी को उन्होंने देखा हुआ है, गाय को उन्होंने देखा हुआ है, तो हम ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जिससे नॉन टू अननोन जाया जा सके। फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट, अब ये देखो हम पहले क्या सिंपल वे में चीज़ें सिखाते हैं और उसके बाद में हम डिफ़िकल्ट चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, ये शिक्षण के सूत्र है जी। और फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष क्या है, जो चीज़ हम देख सके, जिनको जिसको हम अनुभव कर सके, जो हमारे सामने हो, ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चीज़ें हम उनको सिखाएंगे। उसके बाद में संपूर्ण से भाग तक, सबसे पहले हम क्या है कि ओवरऑल पूरी चीज़ बताएंगे और फिर उसके बाद में क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको वो चीज़ें समझाएंगे। अब ये देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम ग्रास टू सबटेल, सबसे व्यापक अवधारणाओं के साथ शुरुआत करें और फिर सूक्ष्म विवरणों में तल्लीन करें। अब यही वो बात है, ऐसी अवधारणाएं हमें उन्हें बतानी है जिसके बारे में वो जानते हों, जो ऐसी कहावतें या ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज में प्रचलित हो उसके बारे में वो एग्जाम्पल उनको देने हैं और उसके बाद में हम उसको मतलब काफ़ी छोटे लेवल पर हम जा सकते हैं। फ्रॉम एक्सपीरियंस टू रीजन्स, जो चीज़ बच्चों ने एक्सपीरियंस की है उस एक्सपीरियंस को उनको बताना चाहिए और उसके बाद में हमें रीज़न देना चाहिए भाई ये चीज़ ऐसे हुई है तो क्यों हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है। और ये चीज़ें दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, और उसके बाद में मनोवैज्ञानिक आदेशों से तार्किक क्रम, फ्रॉम साइकोलॉजिकल ऑर्डर टू लॉजिकल ऑर्डर, ये है इसके अंदर। और अगर इसको आप इंग्लिश में देखना चाहे तो आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, फ्रॉम नॉन टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट, फ्रॉम डिफिकल्ट टू इनडायरेक्ट, फ्रॉम वर्ल्ड टू पार्ट, फ्रॉम ग्रॉस टू सबल्टल, एक्सपीरियंस टू रीजन, स्पेसिफिक टू जर्नल, साइकोलॉजिकल ऑर्डर टू लॉजिकल ऑर्डर, तो ये चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो थ्योरी है थ्योरी आपको समझ में आई होगी और इसका अभी देखिए टीचिंग की और भी हमारी क्लासेस होने वाली है उसमें पूरा टीचिंग हम करने वाले हैं। और हर क्लास में हम पहले क्या करेंगे थ्योरी और उसके बाद में 2012 से लेके अभी तक जो भी क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए, बताइए बताइए, तो आप रेडी है ना, करें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, करें तैयार है ना आप, तो चलिए अभी हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, ये नोट्स आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे, हमारी निमिज नेट ऐप है तो वहाँ पे ये नोट्स आप ले सकते हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ये क्या हो गया भैया, क्या हो गया, ये सेटिंग गड़बड़ा जाती है। हाँ जी ये देखो ये सही हो गया। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना तो आपको हमारी निमिज नेट ऐप डाउनलोड करना और स्टोर में जाना, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे तो वहाँ पे आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये 2012 में आया है, साथ के साथ हमने नीचे क्या है यहाँ पे डेट दे रखी है, 2012 से लेके अभी तक जो भी क्वेश्चन आया है वो सभी क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसमें मैं कलर चूज कर लेता हूँ ये।
अब देखिए, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह, उसके पास क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता हो, विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता हो, विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता हो, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता हो। तो सबसे इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको बार बार बताया था कि एक टीचर का मेन टारगेट क्या होता है, कि वो बच्चे को एक अच्छा नागरिक बना सके समाज में, ठीक है। तो ये इसका आंसर देखिए, विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता हो, ऐसा जो टीचर है वो सफल टीचर माना जाता है। अब देखिए, कई अब आपने बच्चे देखे होंगे जिन्होंने 90% नंबर ले रखे हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका नहीं है, तो क्या हम उसको एक सभ्य नागरिक कहेंगे अपने समाज का? नहीं। नंबर लेने से एक अच्छा इंसान बने ये कोई जरूरी नहीं है। आपने आपने क्लास में देखे होंगे ना, ऐसे लड़के लड़कियां देखे होंगे जिनको, जो फर्स्ट आते थे क्लास में, लेकिन उनका तरीका, बोलने का तरीका सही नहीं था, है ना। वो बड़े मतलब एटीट्यूड वाले होते थे, है ना, बड़ा ही एटीट्यूड होता था उनमें। कौन था वो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, ऐसा कौन इंसान था आपकी क्लास में, ठीक है। तो केवल नंबर लेने से कोई अच्छा इंसान नहीं होता। और उसके बाद में देखिए, इसमें क्वेश्चन हम बहुत लेके आए हैं 2012 से लेके अभी तक, बहुत क्वेश्चन है, बट मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें करवाऊँगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जी। तो सभी क्वेश्चन कर पाना हमारे लिए यहाँ पे मुश्किल है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए आगे हम देखते हैं। अब ये देखिए, शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसका जो स्टेप है वो क्या होंगे वो हम देखते हैं। देखिए, इसमें हम जैसे डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं, इसका आंसर है 4-1। अब ये देखिए, नंबर एक पे क्या होगा, 4, ये 4 और फिर 1, और उसके बाद में 5, ये हो गया। एक मिनट, ये तो हम गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ये होगा नंबर वन पे, ये होगा नंबर वन पे, और ये होगा नंबर टू पे, और ये होगा नंबर थ्री पे, उसके बाद में ये होगा नंबर फोर पे, और ये होगा फाइव पे। अब देखिए इसके अंदर क्या है, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना। सबसे पहले हमें क्या है, टीचिंग के दौरान क्या है, हमें पहले पता होना चाहिए ना कि हम ये टीचिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारे एंट्रेंस एग्जाम है इसलिए कर रहे हैं, या बच्चों को रियली में कुछ सिखाना है इसलिए कर रहे हैं। हमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है। सबसे पहले हमें लक्ष्य पता होना चाहिए नंबर एक पे। उसके बाद में क्या है, वर्तमान ज्ञान को पहले से जोड़ना। जो चीज़ बच्चों को पता है, पहले से जो चीज़ पता है उसको अभी के ज्ञान से जोड़ना और उसको रिलेट करके चलना, ये चीज़ें हैं। उसके बाद में हम बात करें नंबर फाइव पे, यहाँ पे शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना, प्रेजेंटेशन देना बच्चों के सामने। और उसके बाद में हम बात करें इसके अंदर क्या होगा, एक मिनट, ये है दो मूल्य, एक मिनट, यहाँ पे है पांच नंबर कर लिया, फिर आएगा इसमें मूल्यांकन। हाँ, मूल्यांकन। अब देखिए, हमने टीचिंग कर दी, उसके बाद हम देखेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा है या नहीं सीखा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं ना। और उसके बाद में हमें पता चला कि यार 30 बच्चों में से केवल 5 बच्चों को समझ में आई है चीज़ें और 25 बच्चों को समझ में नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे, उस लेसन को दोबारा से रीड आउट करेंगे, दोबारा से वो क्वेश्चन बच्चों को समझाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, कई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसे मिलेंगे जो आप ये बोलेंगे कि सर इसके बारे में तो आपने पढ़ाया ही नहीं, इसमें तो बुक में दिया ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के का आंसर आपको अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से देना होगा कि हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं। आपको खुद भी समझना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ कोई टीचर नहीं बता सकता और हर चीज़ आपको बुक में भी नहीं मिल सकती, ठीक है। कुछ चीज़ों का आंसर हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग से देना होता है। अच्छा, ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। क्लास की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, क्लास की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, क्या प्रभावित नहीं करता टीचिंग को। अब देखिए इसके अंदर क्या है,
शिक्षक का ज्ञान ये प्रभावित करता है ना, करता भी शिक्षक को। अभी हम पढ़ के आए थे ना भाई, शिक्षक का ज्ञान, ज्ञान ज्ञान हमने पढ़ा था, तो ज्ञान जितना होगा टीचर को उतना ही वो अच्छा पढ़ा पाएगा। उसके बाद में कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती है, ठीक है, ये भी हमारे लिए जरूरी है। ऐसी एक्टिविटी करें जो एनकरेज करे बच्चों को। और उसके बाद में हम बात करें जैसे शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। अब देखिए, एक बात मान के चलिए, एक बच्चा अमीर है, एक बच्चा गरीब है, तो क्या गरीब जो बच्चा है वो कम सीख पाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो टीचर है, टीचर सभी को इक्वल शिक्षा देता है। गरीब बच्चा भी उतना ही सीखेगा जितना अमीर बच्चा सीख रहा है, और ना ही हम इसके ऊपर किसी से भेदभाव करते, ठीक है। और अनुभव द्वारा सीखना, ये चीज़ हम पे डिपेंड करती है, ठीक है। जिसको जितना अनुभव होगा वो उतना ज़्यादा सीख पाएगा। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 ये गलत होगी इसकी, ठीक है। आगे हम बात करें इसमें, अब ये देखिए, अच्छे शिक्षण शिक्षण के लिए क्या क्या जरूरी है हमारे लिए, ये चीज़ हम देखते हैं इसके अंदर। नंबर 1 पे ए बी सी डी चारों ही हैं। अब ये देखिए, डायग्नोस करना, निदान करना। निदान, डायग्नोस का मतलब है कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करना। और उपचार, डायग्नोस और उपचार लगभग दोनों एक ही चीज़ है। अब रेमेडी, रेमेडी क्लासेस जैसे लगाते हैं ना भाई, चलो किसी बच्चों को जो जो प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम बता दीजिए हमें, और उसकी फिर एक स्पेशल क्लास लेते हैं। और फिर है डायरेक्शन, निर्देश देना, ठीक है। और फिर है फीडबैक, अब बच्चों को निर्देश देना जरूरी है, भाई चलो आज हम एक यूनिट करेंगे, उसके बाद में ये यूनिट करेंगे, और फिर मॉक टेस्ट लेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। एक डायरेक्शन देना बच्चों को, और फिर उसके बाद में फीडबैक लेना, बच्चों से फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और उसके बाद में हम बात करें जैसे शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए। अब देखिए, इसमें लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, हमारी जो टीचिंग है वो कितनी इफेक्टिवनेस है वो कैसे पता चलेगा हमें? वो पता चलेगा लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने क्या सीखा है, इस बात से हमें पता चलेगा कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ये 2017 का आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करें इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, और एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, अभी हम देखते हैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अभी देखिए, इसमें ये क्वेश्चन है, 2021 का ही क्वेश्चन है। इसमें ए न्यूली ज्वाइन टीचर वाज मेल्टेड इन हिज हर फर्स्ट क्लास बाय सम स्टूडेंट, यानी कि एक टीचर है वो स्टूडेंट के द्वारा मतलब परेशान कर लिया जाता है, मतलब जो स्टूडेंट है वो गलत व्यवहार कर रहे हैं टीचर के साथ में, ठीक है। एक नया टीचर आया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेक बाई हिम और हर, उसके द्वारा जो टीचर है, टीचर के द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें हम देखते हैं। गिव पुनिशमेंट टू द स्टूडेंट, क्या वो बच्चों को सजा दे देगा। नंबर 2 पे इग्नोर द इंस्टेंस एंड इम्प्रूव हिज हर क्वालिटी फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट इन बेटर वे, वो क्या है कि उसको थोड़ा इग्नोर कर देगा और वो मतलब कि इम्प्रूव करेगा, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और जो कॉन्सेप्ट है उसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। 4 चेंज हिज हर टाइम टेबल टू टीच सम अदर क्लास, क्या वो टाइम टेबल चेंज कर लेगा, उस क्लास से चला जाएगा, ठीक है, नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ है। उसके बाद में इन्फॉर्म द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सप्लेनिंग द स्टूडेंट, अभी देखिए क्या वो हेड को इसके बारे में बताएगा भाई आपके जो बच्चे हैं वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ें भी नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है वो हम अपने लेवल पे सोल्व आउट करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि छोटी सी बात हुई हम चले गए प्रिंसिपल के पास चले गए, हमारे एक जो टीचर है, टीचर के अंदर भी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों को समझा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी। और गिव पुनिशमेंट, हम पहली बार आते ही बच्चों को पुनिश नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका 2 होगा। तो इसके अंदर आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिनका आंसर आपको अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से देना होगा जी।
और आगे हम बात करते हैं। अच्छा, अब इसका आंसर देना आप लोगों को। मैंने काफ़ी क्वेश्चन के आंसर आपको बताए, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। द मेन फोकस ऑफ द टीचर इन डिजाइनिंग असेसमेंट शुड बी, अब देखिए जो टीचर असाइनमेंट डिजाइन करता है उसका मेन फोकस क्या होता है, टीचर का असाइनमेंट डिजाइन करते समय क्या मेन फोकस होता है, एक्टिविटी एक्टिविटी करवाना, लर्निंग आउटकम्स, अटेंडेंस और हिज हर बिहेवियर, क्या आएगा इसका राइट आंसर। इसका मैंने आपको बताया, ऊपर एक क्वेश्चन किया था उसके जो आंसर उसका था वही इसका है, मैं बताऊंगा नहीं वो कौन सा क्वेश्चन था वो, चलो मैं बता देता हूँ। एक जो टीचर है, टीचर का मेन उद्देश्य क्या होता है, सीधी सीधा सा सिंपल सा मतलब है टीचर का मेन उद्देश्य क्या होता है। और एक क्वेश्चन और किया था हमने कि जो एक टीच अच्छा टीचर है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग ये कैसे पता चलेगा, एक प्रभावी टीचर का हमें कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन हमने किया था। तो जो आंसर उन दोनों क्वेश्चन का था वही आंसर इसका है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। और आगे हम देखें, एक और क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए स्टूडेंट नॉट बी पुनिश सेवरली। अब देखिए, बच्चों को काफी बार पुनिश क्यों नहीं किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 है, द स्टूडेंट मे डेवलप ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड हिज हर स्टडीज टीचर एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर हमें कई बार बच्चों को इसलिए पुनिश नहीं करना चाहिए, अगर हम पुनिश करेंगे बच्चों को तो उसका जो है एक नकारात्मक रवैया वो उसके मन में हो जाएगा टीचर के प्रति और उस इंस्टीट्यूशंस के प्रति या फिर अपनी स्टडी के प्रति, तो उसके अंदर कोई नेगेटिविटी उत्पन्न ना हो इसलिए हम उसको पुनिश नहीं करते, हम उसको आराम से समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे, अच्छा इसका आंसर देना आप लोगों को, नहीं इसका आंसर तो दे रखा है। चलिए अब ये देखिए, आपको कथन अभिकथन के क्वेश्चन भी मिलेंगे है ना, तो इसमें हम देखते हैं जो ए है, टीचर मस्ट एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, तो ये बताइए ये बात सही है या गलत है इसकी। ठीक है, सही है इसकी ये बात, तो वो एनकरेज करता है स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सीखने के लिए। फिर रीजन, और आस्किंग क्वेश्चन कैन क्रिएट क्यूरिसिटी एंड डेवलप पैशन फॉर लर्निंग, जैसे जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन आस्क करेंगे पूछेंगे तो उनके अंदर उत्सुकता बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी और उनके अंदर कुछ ना कुछ पैशन डेवलप होगा, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें सही है। तो देखिए आंसर इसका ए है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। अब ये देखिए, अगस्त अक्टूबर 2022 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2012 से लेके 2023 तक अभी तक जो भी हमारे क्वेश्चन हुए हैं वो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे दे रखे हैं। और मैं देखिए केवल एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड में, अभी और भी टॉपिक आने वाले हैं हमारे, ठीक है, सभी टॉपिक के हम 2012 से लेके और अभी तक जो भी क्वेश्चन हुए हैं 2023 तक वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड करना निमिजी नेट ऐप, और स्टोर में जाना, स्टोर में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जी तो आगे हम एक और दो चार क्वेश्चन और करते हैं। जी अब ये देखिए, इसमें जैसे क्वेश्चन करते हैं, अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, ए न्यूली जॉन टीचर वाज मेल्टेड इन हिज हर फर्स्ट क्लास बाय सम स्टूडेंट, तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये 2022 में आया था और यही क्वेश्चन हमारा 2019 में आया था, ये क्वेश्चन ये देखते हैं, ये क्वेश्चन आया था हमारा, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा 2021 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन हमारे रिपीट भी होते हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो एक स्पेशल मैं क्लास लेके आऊँगा आपके लिए, तो उसमें दिखाऊंगा किस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। जी तो आगे हम देखते हैं कुछ, इसका आंसर दीजिए। ये देखिए, ये 2023 के क्वेश्चन आ गए भाई, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ ये, ठीक है, इसमें द मेन फोकस ऑफ द टीचर इन डिजाइनिंग असेसमेंट शुड बी ऑन। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है, ये पहले हमने पूछा था, तो इसका बताइए क्या होगा इनमें से आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और जो दोस्त इसका आंसर देगा उसको मैं एक बहुत ही बढ़िया इनाम दूंगा। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें जैसे, इसमें काफ़ी क्वेश्चन, हाँ अच्छा इसका बताइए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए, टीचर शुड डील विद
स्टूडेंट स्ट्रिक्टली फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास. जो टीचर है टीचर को स्ट्रिक्टली पेश आना चाहिए बच्चों के साथ में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए. क्या ये बात उसकी सही है या गलत है ये बताओ. ठीक है. हेल्थी स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इज द बेस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट. अब ये देखो हेल्थी टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन दोनों के बीच में अगर हेल्थी इंटरेक्शन होगा पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा तो वो इफेक्टिव क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाएगा. तो हमें बताना है कौन सी बात सही है कौन सी गलत है. तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जो दोस्त इसका आंसर देगा हम उसको क्या हम उनको मलेशिया घुमाने लेके चलेंगे. हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा. जो भी इन सभी के आंसर बढ़िया देगा अच्छे से आंसर देगा राइट आंसर देगा उनको मलेशिया के टूर पर लेके चलेंगे. ठीक है. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की क्लास हमारी अच्छी लगी है. हमने थ्योरी के साथ में क्वेश्चन पेपर भी किए हैं और ये पर्टिकुलर एक टॉपिक के हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में इस शिक्षण के हैं. इसके अलावा भी और क्लासेज आने वाली है उनमें भी हम ऐसा ही करेंगे. तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और आप हमें ज़रूर 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 बताइए क्या हमें ऐसे ही और आगे क्लास बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए. और इसके साथ एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से अगर आपको स्टडी नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप निमिजनेट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है और दोबारा फिर से मैं बता देता हूँ 8708321010 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी. तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय दोस्तों. बाय बाय. दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट. इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है. नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में. नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी. नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे. नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे. जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है आईसीटी के अलग है कम्युनिकेशन के अलग है सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे. नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं. जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टाइप ऑफ सैंपलिंग इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड मॉडल ऑफ टीचिंग इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे. नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा. इनके नोट्स दिए जाएंगे इनकी वीडियोस आपको मिलेगी प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका. नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर. इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी. जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है. इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपए इसकी फीस बनती है. लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों. आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है. तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं. थैंक यू दोस्तों.